पाली, आप देख रहे हैं खबर फास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें कि 5 दिनों के अंदर चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे बढ़े दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही कि डीजल के दाम में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, डीजल के दाम में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे बढ़े हैं। 5 दिन के अंदर चौथी बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, आपको बता दें, जिसके चलते जनता की कमर पूरी तरह से टूट गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजा पटेल जुड़ गए हैं। राजा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, इसके चलते सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली को पड़ रहा है। और बिल्कुल देखिए दीपाली, आज 5वां दिन है पेट्रोल डीजल के जो रेट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार लामबंद है, चाहे संसद भवन की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, लगातार संग्राम छिड़ा हुआ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और वहीं लोगों की बात करें तो लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज 80 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में देखी गई है। इससे पहले 3 दिन पहले जिस तरीके से सीएनजी गैसों के रेटों में भी बढ़ोतरी की गई थी, काफी ज्यादा लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। और लोग चाह रहे हैं, लोगों ने अपील भी की है कि केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जरिया है पेट्रोल डीजल। ऐसे में ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट के जरिए तमाम चाहे खाद्य सामग्री की बात करें, सब्जियों की बात करें, फ्रूटों की बात करें, दाल की, तमाम अन्य चीजें भी उसका असर भी देखने को मिलता है और वो देखने को मिल रहा है। सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी होती हुई नजर आ रही है। तो लोगों ने अपील की है मोदी सरकार से कि इस बारे में सोचे और थोड़ी राहत लोगों को देने की कोशिश करें। जी राजा, जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी का भी बयान सुना है, उन्होंने ये जो दाम जो बढ़ रहे हैं इसको लेके ये सही बताया है। उन्होंने कहा कि दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है ये बिल्कुल सही है। और बिल्कुल देखिए, जो तेल कंपनियां हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, वो इंटरनेशनल हवाला दे रही है कि जो पीछे से जो इंटरनेशनल लेवल का जो तेल है वो काफी महंगा कहीं ना कहीं आ रहा है, इसी वजह से हम तेल के रेटों में इजाफा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात करें वो बैट लगाकर थोड़ी राहत देने की कोशिश जरूर करती है लोगों को, पर केंद्र सरकार से लगातार लोग अपील कर रहे हैं और राज्य सरकार देखते हैं कि किस तरीके से राहत देने का काम करती है। जी तो फिर जनता को किस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ही आखिर में जो दाम है वो बढ़ोतरी हो रही है, हालांकि इंटरनेशनल जो हवाला जैसे आपने जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन जनता इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। बिल्कुल देखिए, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन की बात थी कि 5 महीने के बाद जो है पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में विपक्ष की बात करें, विपक्ष के नेता भी सरकार को घेरने में लगे हुए, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम है उनको वापस ले सरकार, लोगों को राहत देने की कोशिश करे, क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उससे पहले की बात करें तो 5 महीने तक पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, तो उससे लेकर विपक्ष भी लामबंद नजर आ रहा है और लोगों में भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत दी जाती है या फिर इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट आगे भी बढ़ते रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा पटेल इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजा पटेल ने हमें जानकारी दी कि जनता इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा रोष जो है वो जनता में देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अब दामों में कितनी बढ़ोतरी होती, या ये भी हो सकता है कि जो दाम है वो कम हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जनता इससे बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है।